हेलो, मैं आशीष क्वाड्रिलियन पब्लिकेशन से बोलता हूँ। हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर एक किताब लिखी हुई है, जिसमें आपको पूरी जानकारी बहुत डिटेल में बहुत आसानी से दे के रखी है। आप चाहे तो हमारे ऊपर लिखे लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, और नीचे लिखे लिंक पे क्लिक करके उस बुक को परचेस कर सकते हैं। उसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताया हुआ है, तो अब वो खरीदिए। तो आपको ऐसे वीडियो हमारी देखने की भी गरज नहीं होगी, इतना अच्छा डिटेल में उसको समझाया हुआ है, और आप चाहे तो ये वीडियो भी देख सकते हैं। अभी हम इसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में छोटी छोटी सीरीज करते हैं, एक एक दो दो महीने की। जो जो दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन को कोशिश करें कि उसका आंसर दे पाए। अभी एक क्वेश्चन होता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को कौन कौन खरीद सकता है। अभी ये गोल्ड बॉन्ड मैंने आपको जैसे पहले की सीरीज आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि ये गोल्ड बॉन्ड इसलिए लिया हुआ है कि अपना इंडिया के लोग जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, उससे अपने इंडिया की करेंसी बहुत एक्सपेंस होती है, तो उससे बचाने के लिए गोल्ड बॉन्ड लिया हुआ है। और इसमें बहुत फ़ायदे ज़्यादा आएंगे, दूसरे बॉन्ड से बहुत ज़्यादा फ़ायदे आएंगे। गोल्ड से रिलेटेड है तो गोल्ड का भाव बढ़ता है, तो इसका भी भाव इंक्रीज़ होता है, और उसमें 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो ये इंडिया के लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, जो भी इंडियंस लोग हैं वही ले सकते हैं। हिंदू यूनाइटेड फैमिली यानी हिंदू यूनाइटेड फैमिली वगैरह ले सकते हैं, कोई भी फैमिली ले सकती है इसमें। इंडियन पीपल ले सकते हैं इसको, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी ले सकती है, कोई ट्रस्ट ले सकता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट लग सकता है, कोई भी इसको परचेस सकता है, लेकिन वो इंडिया नहीं होना चाहिए। तो इंडियन इसको परचेस कर सकते हैं। बाहर के लिए इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि ये गोल्ड से लिंक भी हैगा, और उसमें 2.5% इंटरेस्ट भी देते हैं, तो इसमें कैसे उनको गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इसके लिए भी नहीं देते हैं। और बाहर के लोगों के लिए अलग से बॉन्ड देते हैं, तो वो ले सकते हैं, इसलिए उनको ये नहीं देते हैं। अभी एक क्वेश्चन इसमें ये होता है कि क्या इसमें भी ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं क्या? हाँ, इसमें भी ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं, ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं, लेकिन जो परचेस करेगा अप्लीकेंट, मेन परचेस का अप्लीकेंट होता है, उस पर 4 किलोग्राम की मैक्सिमम कैपेसिटी लगाते हैं। इसमें मैक्सिमम वो 4 किलोग्राम ले सकते हैं। ये 4 किलो गोल्ड ऐसे जनरल आदमी के हिसाब से तो आज के भाव के हिसाब से 1 80 लाख का हो जाता है। वो जनरल आदमी के लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे रईस भी होते हैं तो वो आराम से कर सकते हैं, पर मैक्सिमम लिमिट होती है वो 4 किलो। जो भी मेन अप्लीकेंट है वो 1 साल के अंदर बस 4 किलो खरीद सकता है। 1 साल कैसे काउंट होता है? अप्रैल से मार्च 31 तक 1 साल काउंट होता है। 1 साल के अंदर 4 किलोग्राम तक ले सकता है, तो वो इसकी लिमिटेशन है। आपको ये ऐसे हम जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन आप वो बुक खरीदेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नीचे इसमें लिंक देख रखे, आप उसको परचेस कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो हम भी इसमें मोटिवेट होंगे। धन्यवाद।